सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इमरान खान की दूसरी सबका अहलिया रेहम खान अक्सर मुल्की हालात पर ट्विटर के जरिए अपने ख्याल का इजहार करती रहती हैं। मुल्क भर में जैसे कि आम इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन रेहम खान ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ट्विटर पर अपने पैगाम में आम इंतखाबात के हवाले से एक दिलचस्प ट्वीट किया है और कहा है कि काश मोहब्बत भी इंतखाबात होते, गजब की दांदी करते तुझे पाने के लिए। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी रेहम खान की ट्वीट पर दिलचस्प किस्म के ट्वीट किए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा कि अब किसको फंसाने का इरादा है, इमरान तो शुक्र है वो बच गया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा कि इसके बाद गजब की कमाई करते एक और किताब लिखकर। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने कहा कि लगता है आज याद आ रही है आपको किसी की। इसके अलावा रेहम खान ने एक और ट्वीट में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफों के पुल बांध दिए। अपने पैगाम में रेहम खान ने कहा कि बिलावल ने मीडिया पर पाबंदी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होने से मुतल्लिक बयान देकर बहादुरी का मुजाहरा किया है। रेहम खान ने कहा कि मैं बदतरी जिस नतीजे पर पहुंच रही हूं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने सियासी जानशीनों को पहले सियासत में ना लाकर बहुत बड़ी गलती की है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ही पुराने सियासतदानों और सियासी अनुभवों से ज्यादा मजबूत असाब के मालिक हैं। तो ये रेहम खान की कुछ ट्वीट्स थी जो कि इन्होंने इसमें मोहब्बत की बातें की थी। अब किस वजह से इमरान खान ज़्यादा बन चुके हैं, इस वजह से जो भी है ये तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए।